and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Hi guys, welcome to Saurabh Joshi vlog. Good morning. So here we are with day 2 vlog. Right now we are doing our breakfast. So say good morning to my vlog. Good morning guys. हालांकि मॉर्निंग बहुत पहले हो गई थी रमजान जो काफी लेट से बना रहा था. ओके नाउ यू से गुड मॉर्निंग टू माय ब्लॉग. गुड आफ्टरनून हुई गवाह है. अच्छा वैसे मेरी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी गुड होती है. जिस मोमेंट में रमजान बोलता है गुड मॉर्निंग कह दो तब से बस बैड मॉर्निंग शुरू हो जाती है. अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर. गुड मॉर्निंग टाइम है. ये हमारा स्टेपल फूड है यहाँ पे जो खा रहे. इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते. कुछ ऐसा खाने का खास मिलता नहीं. इससे काम चलाना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग. अरे कमाल हो गया. नीचे नदी बह रही है, सामने पहाड़ है, उसके बाद क्या पहले बादल दिख रहे हैं यहाँ से. और क्या ऊपर वाले ने क्या प्लानिंग किया है सर. लाइट नहीं आ रही सर. अच्छा कमाल की प्लानिंग. बहुत रैंडम चीजें हमारे साथ हो रही है. कुछ चीजें बिगड़ रही है लेकिन वो चीजें जिस तरीके से फिर वापस आ रही है ना, इस तरीके से बन के कमाल. तो बहुत मजा आ रहा है ट्रिप में. एक्चुअली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं पर मजा बहुत आ रहा है कसम से. जो जो चीजें और लिटरली हमें यहाँ के सबसे काइंडेस्ट मेरे ख्याल से सबसे काइंडेस्ट पर्सन से हमारी मुलाकात यहाँ पे हुई. मुझे लगा मोस्टली कह सकते हो फरिश्ता हमारे लिए. वो इंसान लिटरली अपनी गाड़ी में हमें बैठा के दूसरे होटल तक लेके आया. होटल नहीं एक्चुअली घर है किसी का. अपने रिलेटिव के घर पे लेके आया और यहाँ पे हमें रखा है. तो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कहीं से. बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं और कमाल के तरीके से. सो प्लीज आइए यहाँ पे. वैसे रूरल एरिया के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा काइंड होते हैं इन कंपैरिजन. नहीं सर बोल सकता था. सर ने कहा कि पता नहीं मोटे नहीं कहूंगा पर हेल्दी नहीं मतलब माशाल्लाह जो सेहतमंद होते हैं. ये हमारा होटल जहाँ हमने रुके हुए हैं और ये हमारी ऑनर रेंटर जो कि बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी है. और हम जो है काफ़ी खतरनाक जगहों से गुजरते हुए काफ़ी ठंडी एरिया है. मछली पकड़ के दिखाते हैं.
हालांकि ये समर टाइम चल रहा है लेकिन पानी ऐसा ठंडा है कि जैसे यूं समझ लो फ्रीज से जस्ट बर्फ पिघलाया हो। और मैं बिल्कुल ठंडे को सोचा था कि एक दो डुबकी लगाएंगे लेक में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। डुबकी लगाया तो हाइपोथर्मिया के शिकार होके डुबकी लगेगी आप हॉस्पिटल में। फिर सही में कुछ बुलुक बुलुक तो कर रहा था अंदर भाई। अरे यार यहाँ तक पानी आ रहा है। माच नहीं है तो भैया सेफ्टी पास जल्दी से पैसे कर गया ना, इस बर्फ में जम जाऊंगा मैं। इसलिए शेजर एलगी की सफाई कर रहा है। क्या कहना चाहोगे सर आपकी आप इन वादियों के बारे में? बहुत एक नंबर मजा रहा है, बस एक मुर्गा भुनने की कमी है। मैं ये कह रहा हूँ ना मेरा बस इधर तो मैं किताब कॉपी लाके यहाँ पे किनारे पे बैठे सर। बस बस ये तेरा मन, मैं ये कह रहा हूँ कि तू अगर इस जगह पे आया तो पढ़ाई कतई नहीं कर रहा, सिर्फ आशिकी करेगा तू, मैं बता रहा हूँ सर। अरे तू ढूंढ लेगा सर, तू ढूंढ लेगा मेरे को पता है सर। गंगा किनारे मोरे गाँव वही हाल है सर। गंगा किनारे मोरे गाँव यमुना किनारे मोरे गाँव। बस बस सर बस 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 क्या था छक्का या चौका? 12 रन। सर तू ये कौन सा चाल चल रहा है भाई? तू माउंट एवरेस्ट 3 बार क्लाइंब कर चुका सर। हम लोगों ने भाई साहब ट्रेकिंग की ऑलमोस्ट हमें को लगता है 250 मीटर तो कर ली होगी 200 मीटर। हाँ और हम डंडा भी साथ में लाए ट्रेकिंग करके, लगे हालत भी ऐसी हो गई है कसम से। जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं अनएक्सपेक्टेड और कमाल की लोकेशन थी, इतना खूबसूरत तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने, इतना खूबसूरत वो निकल गया सामने तो ऑलमोस्ट नहीं तो हम नहीं भी तो हमने 1-2 घंटे वहाँ पे बिताए एकदम मस्ती में एकदम। और मेरे ख्याल से मैं एक बात सजेशन दूं, अगर कोई लिटरली आना चाहता है मजे लेने के लिए मोबाइल फोन घर पे छोड़ दे। हाँ सर देखो क्या कौन है जो ऑल द टाइम ऑन द फोन।